गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी में दिए गए पैसेज यानी गद्य खंड का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ दो पैसेज दिए गए 28 और 29 नंबर। पहला है जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक यह जानकर बहुत चिंतित हो उठे कि उनके देश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही। खराब जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक यह जानकर बहुत चिंतित हो उठे कि उनके देश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही। एम्परर फ्रेडरिक, आप जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक became very tensed, became very worried, बहुत चिंतित हो गया या became very worried, तूनों यह जानते हुए that his country's economic situation was getting worse day by day। एम्परर फ्रेडरिक ऑफ जर्मनी became very worried to know, जानकर that his country's economic situation, उनके देश की आर्थिक स्थिति was getting worse day by day, उनके देश की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही। उन्होंने एक दिन राज्य के कर्मचारियों को विचार विमर्श के लिए बुलाया। वन डे ही इनवाइटेड द एम्प्लॉइज ऑफ हिज स्टेट। उन्होंने आमंत्रित किया द एम्प्लॉइज ऑफ हिज स्टेट, अपने राज्य के कर्मचारियों, किस लिए? फॉर डिस्कशन, बस के लिए बुलाया। उन्होंने एक दिन राज्य के कर्मचारियों को विचार विमर्श के लिए बुलाया। One day he invited the employees of his state for discussion. उन्होंने उनसे पूछा कि राज्य के खजाने की आय कम होने का कारण क्या कारण है। उन्होंने उनसे पूछा the reason for declining income of state treasury। उन्होंने उनसे कारण पूछा फॉर द डिक्लाइनिंग इनकम ऑफ स्टेट ट्रेजरी, राज्य के खजाने की घटती हुई आय का। उन्होंने उनसे कारण पूछा ऑफ डिक्लाइनिंग इनकम ऑफ स्टेट ट्रेजरी। दरबार में यह प्रश्न उठते ही सन्नाटा छा गया। There was silence in the court. दरबार में सन्नाटा छा गया। There was silence in the court. कोर्ट में सन्नाटा छा गया। As soon as this question was asked, सीधे भी लिख सकते हैं, As soon as this question was asked, जब यह प्रश्न पूछा गया, There was silence in the court. कोर्ट में सन्नाटा छा गया। एक अचानक वयोवृद्ध नागरिक ने कहा, सम्राट की आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। सडनली अचानक एन ओल्ड सिटीजन सेड, आई एम रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन इफ द एम्परर अलाउज। उलट के देख सकते हैं, इफ द एम्परर अलाउज, आई एम रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। सडनली अचानक एन ओल्ड सिटीजन सेड, एक वृद्ध नागरिक ने कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं टू आंसर दिस क्वेश्चन इफ द एम्परर अलाउज। वृद्ध ने कहा कि प्रजा से वसूले गए कर की राशि
सरकारी कोष तक पहुंचते पहुंचते चौथाई रह जाते। The old man said that by the time tax collected from the subject, the old man replied that by the time tax collected by the from the subjects remains reach the treasury, treasury में पहुंचती है only 1/4 of the amount. Remains only 1/4 of the amount remains. करा वृद्ध ने कहा कि प्रजा से वसूले गए कर की राशि सरकारी कोष तक पहुंचते पहुंचे चौथाई रह जाते। The old man said that by the time tax collected from the subjects reach the treasury, यानी treasury तक पहुंचे प्रजा से वसूले गए धन को ट्रेजरी के पहुंचते पहुंचते the old man said that by the time tax collected from the subjects reach the treasury, treasury तक पहुंचती है only 1/4 of the amount remains, केवल एक चौथाई धनराशि रह जाती। सम्राट के शंका का समाधान हो गया। The emperor's doubts were resolved. सम्राट के शंका का समाधान हो गया। The emperor's doubts शंका doubt were resolved समाधान हो गया। उन्होंने अगले ही दिन भ्रष्ट कर्मचारी की छटनी कर दी। He laid off उन्होंने छटनी कर दिया। He laid off the corrupt employees the very next day. He laid off the corrupt employees the very next day. नंबर दो, भालू एक जंगली जानवर है। बियर इज वाइल्ड एनिमल, भालू एक जंगली जानवर है, बियर इज वाइल्ड एनिमल। वह जंगल का राजा तो नहीं है। He is not the king of the jungle. He is not the king of the jungle. शेर की तरह खूंखार होता है। But he is dreadful as a lion. But he is dreadful as a lion. पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज्यादा पसंद है। The bear prefers, अधिक पसंद करता है, the bear prefers to live under the thick shade of trees. The bear prefers to live under the thick shade, घनी छाया में, of the trees. Come near the river banks, नदी के किनारे पर, near the river bank. फिर सुनिए, the bear भालू prefers to live, रहना अधिक पसंद करता है, under the thick shade of the trees, पेड़ों के घनी छाया के नीचे, near the river banks, नदी के किनारे। अपने रहने के लिए भालू जमीन में माद बनाता है। The bear makes a den, den गुफा माद। The bear makes den in the ground to live. The bear makes a den in the ground to live. शरीर पर बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण उसे बहुत गर्मी लगती है। Due to the dense long hair on its body, due to the dense long hair on its body, शरीर पर लंबे घने बाल होने के वजह से it feels very warm, यह बहुत गर्मी महसूस करता है, इसे बहुत गर्मी लगती है। कर शरीर पर बहुत लंबे घने बाल होने के कारण due to या because of the dense long hair on his body, he feels very warm, गर्मी महसूस करता है। भालू पालने के लिए पालने वाले को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है। फॉर कीपिंग ए बियर एज पेट,
भालू पालने वाले फॉर कीपिंग ए बियर एज पेट इट इज नेसेसरी फॉर ओनर इट इज नेसेसरी फॉर ओनर टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर कीपिंग ए बियर एज पेट भालू को पालतू की तरह से पालने यानी रखने के लिए इट इज नेसेसरी फॉर द ओनर मालिक को यह आवश्यक है टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट यह मांसाहार पर अधिक निर्भर करता है द बियर डिपेंड्स मोर ऑन द मीट फॉर इट्स लिव द बियर डिपेंड्स मोर ऑन द मीट फॉर इट्स लिव मदारी इसे नचाता है The master makes it dance. The master makes it dance. यह मांसाहार पर अधिक निर्भर करता है मदारी से नचाता है The master makes it dance. इसकी नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है इट्स अ डांस करा इसका नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है स्मॉल चिल्ड्रेन आर अट्रैक्टेड ए लॉट स्मॉल चिल्ड्रेन आर अट्रैक्टेड ए लॉट छोटे बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं किस से बाय इट्स डांस द स्मॉल चिल्ड्रेन छोटे बच्चे आर अट्रैक्टेड ए लॉट बाय इट्स डांस इसके नाक और मुख से निकलने वाली आवाज बड़ी डरावनी होती है द साउंड कमिंग फ्रॉम इट्स नोज इसके नाक एंड माउथ द साउंड कमिंग फ्रॉम इट्स नोज एंड माउथ इज वेरी फियरफुल बहुत डरावनी होती है तो इस तरह से आपने देखा कि दिए गए पैसेज का हिंदी से अंग्रेजी में किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं थैंक यू